जय श्री कृष्णा। मैं विनोद चौधरी आपका वी के सी मैथ सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास टेंथ की वैदिक मैथ्स है उसके क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक का नाम है डिवाइड बाय दवजांक मेथड यानी दवजांक विधि से भाग करना है। तो ये आपने एट्थ क्लास में भी पढ़े हुए हैं, नाइन्थ में भी पढ़े हुए हैं और अब ये चार क्वेश्चन है ये टेंथ क्लास में भी है। जो नया सिलेबस है उसमें ये चार ही क्वेश्चन है। पहले वाली बुक में तो कई क्वेश्चन होते थे, तो ये जो चार क्वेश्चन है ये सेम पैटर्न जो एट्थ नाइन्थ और टेंथ में आप पढ़ चुके हैं वो सेम पैटर्न से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दवजांक बाय वैदिक मेथड के क्वेश्चन। तो जब भी आप दवजांक से डिवाइड करते हो तो इसमें आपको ऐसे खंड बनाने हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। जैसे आप निखिलम के अंदर डिवाइड के अंदर बनाते हैं सेम उसी तरह से अपने को ये बनाना है। अब इसमें फर्स्ट कॉलम में कौन आएगा, सेकंड में कौन आएगा, थर्ड में कौन आएगा, ये यहाँ पे सबसे मेन है। क्योंकि निखिलम से डिवाइड करते टाइम और इस मेथड में कई कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि मिडिल में कौन सा रखना है, थर्ड कॉलम में कौन सा रखना है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जब निखिलम से डिवाइड करते थे तब बेस में जितने जीरोज होते थे उतने आप लास्ट वाले कॉलम के अंदर रखते थे, लेकिन यहाँ पर आपको जो डिवाइडेंट है जो बाज्य है उसका ओनली लास्ट एक ही डिजिट आपको थर्ड कॉलम में रखना है। ये क्यों रखना है, क्योंकि अपन दवजांक है उसका इकाई का ये एक ही अंक है, ये अपन दवजांक के रूप में लेंगे। बाकी के जितने भी डिजिट होंगे 2, 3, 1 तो वो अपने मुख्यांक लेंगे। तो यहाँ पे दवजांक जितने डिजिट का होता है उतने ही अंक लास्ट कॉलम में अपन लिखते हैं। तो दवजांक में अपन एक ही अंक लेंगे 2, तो इस बाज्य साहब भी लास्ट वाला एक अंक है वो तीसरे कॉलम में आएगा। तो इसका लास्ट एक अंक 2 है वो लास्ट कॉलम में आएगा और बाकी के बाकी जो 3 डिजिट है 4, 5 और 3 इनको आप मिडिल वाले कॉलम में थोड़ा थोड़ा गैप से लिख दीजिएगा। उसके बाद इस फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ जो ये दवजांक आप ले रहे हो इकाई का अंक ये ऊपर लिखना होगा और ये जो 11 बच गया है ये आप यहाँ नीचे उतार दोगे। तो ये जो 2 क्या होगा, दवजांक होगा। तो ये 2 दवजांक है और ये मेन नंबर है जिससे आप डिवाइड करोगे, यानी 11 से आपको इस पूरे क्वेश्चन में डिवाइड करना है और 2 जो दवजांक है इससे यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उससे आप मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने की प्रक्रिया आपको करनी है। तो यहाँ पे अपन इसमें कुछ स्टेप लिखेंगे, तो वो स्टेप आपके अगर सही हैं तो ये क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज आपने उसमें सब्ट्रैक्ट में या मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर दी है तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा कि आपने जो यहाँ पे डिजिट लिखे हैं 4, 5, 3, 2 इनको आपको 11 से डिवाइड करना है। तो 11 से डिवाइड करने के लिए आपको इनमें से कितने डिजिट लेने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, देखो 4 है वो तो 11 से लेस देन रह गया, तो आपको यहाँ से 45 लेना पड़ेगा। तो 45 दो डिजिट लेने पड़ेंगे और उनको आपको 11 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट स्टेप इसका 45 को आप डिवाइड कर रहे हो 11 से, तो 11 से डिवाइड कर रहे हो तो क्वेश्चन कितना आएगा कि 11 से आप डिवाइड करोगे तो ये 4 times 44 हो गया और जो रिमाइंडर है जो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 1। 11 से 4 times 45 हो गया और शेषफल बच गया 44, घटाओगे आप 45 में से तो एक शेषफल बच गया। अब ये आपको कहाँ पे लिखना है, देखो ये जो क्वेश्चन आया है 4 ये तो यहाँ पे लिखना है आपको और जो रिमाइंडर 1 आया है तो ये 45 आप पहले से ले चुके हो। तो जितने डिजिट आप फर्स्ट स्टेप के अंदर ले लेते हो उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होता है चाहे वो सेकंड डिजिट हो चाहे थर्ड डिजिट हो उससे पहले आपको वो लिखना है। तो ये 1 है, ये आप इस 3 से पहले थोड़ा सा स्मॉल लिख दोगे तो ये हो गया 1। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर आपने जो ये 1 लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन में जो लिखे हुए डिजिट इनको आपको डिवाइड करना है, तो ये जो 13 बना है ये 1 और 3 से मिलके 13 ये हो जाएगा न्यू डिवाइडेंट, नया भाज्य। तो ये न्यू डिवाइडेंट हो गया, तो न्यू डिवाइडेंट आ गया है अपने पास
13 इस सेकंड स्टेप में लिख रहे हैं अपन, और उसके बाद जब भी आप डिवाइड करोगे तो न्यू डिवाइडेंट को नहीं करोगे, मॉडिफाइड को करोगे, यानी संशोधित भाज्य को करोगे। तो संशोधित भाज्य को जब आप करोगे तो वो कैसे निकालेंगे, तो संशोधित भाज्य निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो न्यू डिवाइडेंट आया है ये 13, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि दोजांग का मल्टीप्लाई जो क्वेश्चेंट आया है उसका करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया 13 माइनस 8। तो 13 माइनस 8 करोगे तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान क्या रखनी है कि जो मॉडिफाइड डिवाइडेंट आता है हमेशा ही संशोधित भाज्य वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 आ सकता है। यहाँ पर अपने पास संशोधित भाज्य कितना आया है, 5 आया है, तो ये 0 आ सकता है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आएगा तो स्टेप अपना कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास नेगेटिव नहीं आया है, तो ये चाहे आप जिस डिविजर से डिवाइड कर रहे हो उसे लेस देन हो, लेकिन आपको इसी को डिवाइड करना है, यानी 5 को डिवाइड करोगे आप 11 से। अब तो 5 डिवाइडेड बाई 11, कई बच्चे करते हैं कि 11 है ये बड़ा नंबर है तो इसको 5 से कर देते हैं। डिवाइड जब भी आप कर रहे हो तो पूरे क्वेश्चन में डिविजर का काम ओनली 11 ही करेगा। तो 5 11 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो ये 5 या 11 से लेस देन है। जब यहाँ पे 11 होता तो 1 टाइम्स चला जाता, 11 से जो भी लेस देन नंबर होगा तो उस कंडीशन में अपने पास क्वेश्चन कितना आएगा, 0 ही आएगा। और रिमाइंडर क्या होगा कि जब ये 0 से मल्टीप्लाई करके आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर है वो एज इट इज 5 का 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 0 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, और ये रिमाइंडर 5 है ये आप 5 से पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो इस लाइन के बाद में आप लास्ट डिजिट जब ये ले रहे हो, देखो 2 लास्ट डिजिट था, तो इससे पहले आपने जो रिमाइंडर यहाँ पे उतारा है तो इससे मिलके जो आपका न्यू डिवाइडेंट बनेगा, नया भाज्य बनेगा, तो ये लास्ट का स्टेप होगा। इस लाइन के बाद जब भी आप ये लिखोगे न्यू डिवाइडेंट और मॉडिफाइड, तो ये लास्ट स्टेप होगा। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है अपने पास मॉडिफाइड, तो अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर स्टेप कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। तो अब ये फोर्थ स्टेप के अंदर जो न्यू डिवाइडेंट है, जो न्यू डिवाइडेंट है वो बन गए अपने पास 52, और जो मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड डिवाइडेंट है वो 52 माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे दोजांग 2 था तो 2 का मल्टीप्लाई अब 0 से करना है। तो 2 इंटू में 0, तो 52 माइनस 0 करोगे तो ये कितना आ गया 52। तो ये लास्ट का स्टेप होगा जब आप थर्ड वाले जो कॉलम के अंदर से नंबर ले लेते हो, तो ये 52 में से 0 सब्ट्रैक्ट करने पर ये 52 ही आया है, तो ये नेगेटिव नंबर नहीं है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये आपका जो फाइनल रिमाइंडर है ये बच गया, तो इस 52 को अपने यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 52 है, ये रिमाइंडर हो गया है, और ये जो 40 है ये क्या हो गया है, क्वेश्चेंट हो गया है, तो ये क्यू हो गया है और ये आर, ये भागफल हो गया 40, और 52 हो गया है शेषफल इस क्वेश्चन का। तो इनको आप यहाँ पे लास्ट में कॉलम में लिख दीजिएगा कि जो भागफल आया वो तो 40 है और शेषफल जो आया है वो है 52। तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये मेथड अभी तक पूछा नहीं है, तो अब की बार के लिए चांसेस बन रहे हैं कि दोजांग मेथड आएगा। तो यहाँ पर दोजांग के वैसे क्वेश्चन आप कर ही चुके 8th में 9th में, तो सेम वही प्रक्रिया आपको यूज करनी है। तो अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, तो 13 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें 1234 को डिवाइड करना है 42 से। तो मैंने बताया था अपने जब भी इन कॉलम में इनको व्यवस्थित करेंगे तो कैसे करना है कि जो भाज्य होता है, डिवाइडेंड होता है, उसका लास्ट एक ही डिजिट आपको थर्ड कॉलम में रखना है। तो लास्ट है इसमें से 4, ये आप थर्ड कॉलम में लिख दिया। अब बाकी जो रिमेनिंग डिजिट है ये 1, 2 और 3, ये मिडल वाले में आप थोड़े थोड़े गैप से लिख दोगे। और अब दोजांक यहाँ पे कितने डिजिट का लेंगे, दोजांक हमेशा ही एक ही डिजिट का लेना है अपने को, और दोजांक इसमें से लेना है जो डिविजर है, भाज्य है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो अपने को दोजांक लेना है। तो ये 2 है, ये दोजांक हो गया है, और ये 4 है, ये मैन नंबर हो गया जिसे आप डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे
ये दो जांघ का काम करेगा, ये दो जांघ हो गया है टू, तो टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस करना है अपने को। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे कि इस फोर से आपको डिवाइड करना है, तो फोर से डिवाइड करने के लिए इनमें से वन है ये तो लेस देन रह गया, तो इस टू से मिलके नंबर बन गया है 12, तो इस 12 को आप 4 से विभाजित करोगे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप 12 को डिवाइड करोगे 4 से, तो जब आप 12 को 4 से डिवाइड करते हो तो ये डिवाइड है ये पूरा पूरा होता है, तो यहाँ पे q है, ये क्वेश्चन है, ये कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि 4 का 3 टाइम्स 12 हो गया, और जो रिमाइंडर फिर बचेगा जब डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है तो रिमाइंडर उस कंडीशन में कितना बचता है 0 बचता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है ये तो यहाँ लिख देंगे 3, और जो रिमाइंडर है 0 वो कहाँ पे लिखना है, देखो आपने अभी 12 लिया है तो इस 3 से पहले यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 0 लिख दोगे। अब यहाँ पे जो भी स्टेप कैंसिल होने वाले अगर कंडीशन आती है तो वो आपको एग्जाम में लिख करके दिखानी होती है, तो क्योंकि एग्जाम्पल्स में भी आप देख लीजिए, अदरवाइज कहीं नहीं लिखते हैं कि स्टेप है वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, अगर नहीं लिखते हो तो भी वैसे गलत नहीं माना जाता है, लेकिन एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग अपने अगर उसमें लिख देते हैं तो उनको पता लग जाता है भी यहाँ पे स्टेप है वो कैंसिल हुआ था जो नेगेटिव आया था उसकी वजह से। तो सेकंड स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप में अब जो आपके पास न्यू डिवाइडेंट आया है, जो न्यू आया मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, सिर्फ न्यू आप लिख दोगे पूरा न्यू डिवाइडेंट, न्यू कितना आया है 0 3, और जो मॉडिफाइड आया है जो संशोधित भाज्य आया है वो कितना आया है कि आप इस 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 2 का मल्टीप्लाई 3 से करके, तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 माइनस ये हो गया 6, तो ये कितना आएगा माइनस का 3 आने का मतलब ये नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव जब ये नंबर आ जाता है तो अपना स्टेप कैंसिल हो जाता है। कौन कौन सा स्टेप कैंसिल हो जाता है, एक तो जो आपने अभी सब्ट्रैक्ट वाला किया ये कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर क्रॉस लगा दोगे, और सेकंड जिसकी वजह से कैंसिल हुआ है इस डिवाइड की वजह से हुआ है, क्योंकि इसमें आपने अगर 3 टाइम्स किया था तो रिमाइंडर अपने पास छोटा बचा था, अगर ये आप एक कम कर देते हो तो रिमाइंडर ज़्यादा बचेगा, जिससे यहाँ वाला ये नंबर बड़ा आ जाएगा, और ये नंबर बड़ा आने से यहाँ पे जो 0 3 की जगह नंबर बड़ा होगा तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर ये आपके पास माइनस में नहीं आएगा। तो जो आपका क्वेश्चन था 3 इसको भी आप कैंसिल करोगे, और जो यहाँ पे ऊपर आपने जो ये रिमाइंडर लिखा था इसको भी आप कैंसिल करोगे। अब जो थर्ड स्टेप है वो वापिस अपना डिवाइड है वो शुरू से हो गया है, तो थर्ड स्टेप में आप वापिस जो पहला स्टेप लिखा था डिवाइड वाला तो वो स्टेप आपको वापिस लिखना है, तो 12 को डिवाइड अगेन आप 4 से करोगे। अब क्वेश्चन आपको क्या करना है कि पहले जो क्वेश्चन था उससे एक कम कर दीजिएगा, पहले अगर 5 होगा तो यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ पे 3 है तो ये आप 2 टाइम्स कर दीजिए, इससे करने से क्या होगा कि आपका जो रिमाइंडर है वो पहले वाले से बड़ा बचेगा, तो रिमाइंडर 4 का 2 टाइम्स करते हो तो 8 आता है, और 12 में से 8 माइनस करने पर कितना आएगा 4 आएगा। अब आपके पास रिमाइंडर है ये बड़ा आ गया है, तो अब आप इस क्वेश्चन को कहाँ पर लिख दीजिएगा, जो 3 को कैंसिल किया था यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2, और जो रिमाइंडर 4 आया है ये आप इस 0 के पास में लिख दीजिएगा, ये हो गया 4। अब सेकंड स्टेप में न्यू और मॉडिफाइड, तो न्यू आपके पास जो डिवाइडेंट आया है वो हो गया है 43, और जो मॉडिफाइड आ गया है वो हो गया है 43 माइनस, अब इस दौजांग 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 43 माइनस ये हो गया 4, तो कितना बचेगा 39, ये क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो आपके कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो 4 से। तो अब ये फोर्थ स्टेप था, अब आ गए फिफ्थ स्टेप, तो फिफ्थ स्टेप में ये 39 पॉजिटिव है तो इस 39 को आप डिवाइड करोगे, यानी हर बार आपको क्या करना है कि जो मॉडिफाइड आएगा उसी को डिवाइड करना है। कब तक डिवाइड करते जाना है, इस लाइन के बाद वाला जब आप डिजिट नहीं ले लेते तब तक आपको करना है। तो 39 को आप डिवाइड करोगे 4 से
तो कितने टाइम्स होगा, 9 टाइम्स होगा। 9 टाइम्स कितना हो गया, 36 हो गया। और जो रिमाइंडर शेषफल बच गया है वो कितना बच गया है, 39 में से 36 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 3। अब ये 9 कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन की जगह, और 3 है ये आपको इस 4 से पहले यहाँ पे लिखना है। तो इस लाइन के बाद ये अपने पास लास्ट स्टेप मिलेगा अगर ये मॉडिफाइड आपका पॉजिटिव आ जाता है। तो अब 6th स्टेप में जो न्यू डिवाइडेंड आया, नया बाजी आया है, वो कौन सा हो गया, 34 हो गया है। और जो मॉडिफाइड आएगा, संशोधित बाजी आएगा, वो कौन सा हो गया है कि 34 में से सब्ट्रैक्ट कौन सा करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 9 से। तो 2 का मल्टीप्लाई 9 से कर दिया तो 34 माइनस ये कितना हो गया, 18। तो 34 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया, ये 16 आ गया। अब ये 16 अपने पास पॉजिटिव आया है तो ये लास्ट स्टेप था, और यहाँ जो 16 बचा है वो रिमाइंडर होगा, और जो ये 29 आया है ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लास्ट में कि जो भागफल है वो कितना आया है, 29 आया है, और जो रिमाइंडर आया है वो आया है 16। तो ये क्वेश्चन था डिवाइड वाला। बोर्ड एग्जाम के अंदर जब आता है तो कैंसिल करने वाला बहुत कम आता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इजी बना के दिया जाता है। जैसे अभी एक्सरसाइज 8 का एक क्वेश्चन आया था, जो पेड़ के टूटने वाला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या इजी बनाया कि उसने उस क्वेश्चन में जो एंगल दिया हुआ था, एलिवेशन एंगल, उसको 60 की जगह 30 कर दिया, क्योंकि वहाँ पे साइन लग रहा था। तो साइन 30 से वैल्यू 1/2 हो गई, और अगर 60 होता तो √3/2 होता, जिसकी वजह से वो रूट में कैलकुलेशन काफ़ी स्टेप होते, और 30 की वजह से 2 या 3 स्टेप में वो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो इस तरह से एग्जाम के अंदर क्या करता है कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल देता है। ये जरूर नहीं है कि जो आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा, हो सकता है 9th वाले में से ले ले, 8th वाले में से ले ले, या कोई और जो उसके पास क्वेश्चन है एग्जामिनर, तो उनमें से वो ले सकता है। लेकिन दोजांग का कोई भी क्वेश्चन दो, अगर आपको पैटर्न आता है कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। अगर वही 4 क्वेश्चन आपने रट रखे हैं तो आप उनको नहीं कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन को रटने के बजाय आप उनके स्टेप समझे भी, स्टेप कैसे लिखने हैं। तो स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्टेप नहीं है, एक बार डिवाइड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ये जैसे यहाँ पे डिवाइड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये डिवाइड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया। तो ये स्टेप बाय स्टेप अल्टरनेट चलते रहते हैं, एक बार डिवाइड करोगे, एक बार आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये भाग और घटाओ की जो प्रक्रिया है ये स्टेप बाय स्टेप होती जाएगी। बस इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है, और एक ये ध्यान रखना है कि ये आपका जो मॉडिफाइड है, संशोधित भाज्य है, वो ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। ऋणात्मक आ गया तो क्या करना है कि उससे पहले वाले स्टेप में जो भागफल था उसको आप एक कम कर दीजिए, जिससे आपका शेषफल बड़ा बच जाएगा, और बड़ा बचने से संशोधित भाज्य वो बड़ा मिल जाएगा, और उससे आपका वो कैंसिल नहीं होगा। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को अपन करते हैं। 98,765 को डिवाइड करना है 87 से। तो ये क्वेश्चन 9th क्लास में भी होता था, और पहले की जो बुक थी 10th की उसमें ये एग्जांपल्स में होता था ये क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़े स्टेप ज़्यादा है, पर कहीं भी क्वेश्चन में स्टेप कैंसिल नहीं होगा, एज इट इज चलता जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसको अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। अब आपको ये तो मालूम ही हो गया होगा कि आप लास्ट वाले कॉलम में कौन सा डिजिट लिखोगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। तो लास्ट वाले कॉलम में आप इस डिवाइडेंट का लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट लिखोगे ओनली 5, बाकी के जो रिमेनिंग डिजिट है वो आप मिडिल वाले कॉलम में लिखोगे। तो मिडिल वाले कॉलम में आपके पास कितने डिजिट बच गए हैं, 4, तो इनको थोड़ा इंटरवेल से लिख दीजिए। तो ये 9, 8, 7 और 6। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये वाला, जब आप ये कॉलम बनाओ तो इनको थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, ताकि यहाँ पे आप लिखते टाइम आपको परेशानी नहीं हो। कई बार क्या होता है, आप ये कॉलम छोटा बना लेते हो तो ये अंक या फिर इनमें गैप कम रहता है, तो इसलिए आप इन लाइनों को आप यहाँ पे देख लीजिए आपको कितने डिजिट यहाँ पे लिखने हैं, 3 लिखने हैं, 2 लिखने हैं, 4 लिखने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों लाइन आप ड्रॉ करो कॉलम बनाने के लिए। तो इनको थोड़ा सा आप गैप से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे दोजांक, तो दोजांक है वो लास्ट डिजिट
डिविजर का ओनली 7, तो ये हो गया दौजांक 7, और ये जो मुख्यांक है 8, जो मेन नंबर है वो इसका 8 है। तो आपको 8 से क्वेश्चन में पूरे में डिवाइड करना है, और 7 है वो मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने के काम में आएगा। तो ये है दौजांक। अब फर्स्ट स्टेप, 8 से डिवाइड करोगे आप इस यहां पर जो भी डिजिट लिखे गए इनको, तो पहला जो 9 है वो भी 8 से ग्रेटर देन है, तो फर्स्ट स्टेप के लिए आपको 9 ही लेना है, 98 नहीं लेना है, क्योंकि 8 से ये ग्रेटर देन नंबर ये 9। तो फर्स्ट स्टेप आप 9 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 8 से 9 को डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा भागफल, और शेषफल कितना आएगा, शेषफल भी 1 आएगा। अब भागफल और शेषफल कहाँ पे लिखने हैं, कि यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन ये 1, और जो रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर देखो अभी आपने 9 ही लिया है, तो वो 8 से पहले लिखोगे यहाँ पे आप 1। तो सेकंड स्टेप में नया भाज्य क्या आ गया आपके पास, जो न्यू डिवाइडेंड आ गया वो आ गया है 18, और जो मॉडिफाइड आएगा तो 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे 7 का मल्टीप्लाई 1 से, 7 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया 18 माइनस 7, तो कितना आ गया ये 11 आ गया है। तो ये आ गया अपने पास सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, कि थर्ड स्टेप के अंदर आपके पास जो मॉडिफाइड आया है उसी को डिवाइड करना है आपको। तो 11 को किससे डिवाइड करोगे, 11 को डिवाइड करोगे आप, सॉरी 11 को आप डिवाइड करोगे 8 से, 11 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 11 को डिवाइड करोगे तो ये 1 ही आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, जब 11 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 3, तो ये रिमाइंडर आ गया 3। अभी आपको कहाँ पे लिखना है ये, और क्वेश्चन आपको यहाँ पे 1, और जो रिमाइंडर 3 आया है वो इस 7 से पहले यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 3। अब फोर्थ स्टेप में न्यू क्या बन गया है आपके पास, जो न्यू डिवाइडेंट है वो बन गया है 3 और 7 से मिलके क्या बन गया है 37, और जो मॉडिफाइड आएगा संशोधित भाज्य आएगा वो 37 में से सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, 7 का मल्टीप्लाई अबकी बार 1 से, तो 7 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 37 माइनस 7 तो कितना आ गया ये 30। तो मॉडिफाइड आपका पॉजिटिव आया है। तो फिफ्थ स्टेप, तो फिफ्थ में आप 30 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से, तो 30 डिवाइडेड बाई 8, तो क्वेश्चन 8 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स होगा ये 3 टाइम्स, 24 हो गया, और जो रिमाइंडर है वो कितना रहेगा, आप 30 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन है 3 यहाँ पे लिख दीजिएगा, और जो रिमाइंडर है वो 6 से पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा 6। अब सिक्स स्टेप में अभी तक अपने लास्ट वाले कॉलम में पहुँचे नहीं है, यहाँ पे पहुँचने के बाद आपका सब्ट्रैक्ट का काम है पूरा होगा। तो मॉडिफाइड निकालना है अपने को, तो उसके लिए जो न्यू आया है, तो न्यू कितना आया है, न्यू आ गया 66, और जो मॉडिफाइड आ गया है, संशोधित आ गया है, वो आ गया है 66 माइनस 7 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 7 मल्टीप्लाई 3 तो 66 माइनस 21, तो 66 में से 21 जाएगा तो ये 45 आ गया है। सेवन स्टेप में अपने को क्या लिखना है, देखो मॉडिफाइड 45 आ गया है, तो इस मॉडिफाइड को ही डिवाइड करना होता है अपने को, तो 45 को डिवाइड किससे करोगे, 8 से करोगे, तो क्वेश्चन कितना आएगा, 8 से डिवाइड करने पर 5 टाइम्स 40 हो गया, और 45 में से 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5, तो ये क्वेश्चन 5 यहाँ पे लिखोगे, और ये जो रिमाइंडर आया आपके पास 5, तो ये 5 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब ये लास्ट वाला स्टेप होगा, अगर आपका मॉडिफाइड है वो पॉजिटिव आ जाता है तो लास्ट स्टेप लिखना है अपने को, स्टेप नंबर 8। तो जो न्यू आया है, न्यू डिवाइडेंड कितना आ गया है 55, और मॉडिफाइड आएगा, मॉडिफाइड डिवाइडेंड आ गया 55, सब्ट्रैक्ट करोगे इसको
7 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 7 इंटू 5 तो 55 माइनस 35, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया, ये 20 आ गया। तो ये मॉडिफाइड पॉजिटिव आ गया है, तो ये लास्ट स्टेप था, तो ये 20 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये 1135 है, ये तो हो गया है क्यूसेंट और ये हो गया है 20 रिमाइंडर। तो इसको आप यहाँ पे कॉलम बना करके लास्ट में लिख दीजिएगा कि जो भागफल आया है वो तो आया है 1135 और जो शेष फल आया है वो आया है 20। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ये, क्योंकि इसमें कोई स्टेप कैंसिल है नहीं और बिल्कुल सिंपल है ये, तो इस तरह का क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, तो 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको जो डिविजर है उसके 3 डिजिट दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप दौझांक जो लेते हो वो 2 डिजिट का लोगे तो फिर मल्टीप्लाई में वैसे ही बड़ा होगा। तो अपन जो कंटिन्यू चल रहे हैं दौझांक, आपको एक ही डिजिट का लेना है, वो स्टेप अपने को यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे ओनली 9 है, इसको आप दौझांक ले लीजिए। तो यहाँ पे जो मेन नंबर होगा वो कौन सा हो जाएगा, फिर 87। तो यहाँ पे 87 की फिर आपको टेबल चाहिएगी। बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पड़ता है क्वेश्चन। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका जो डिवाइड करने वाला है वो ओनली 2 डिजिट का आ सकता है, तो 3 डिजिट वाला चांसेस बहुत कम बनते हैं। अब 9 अगर आपने दो झांक लिया है तो इसका लास्ट एक ही डिजिट आपको थर्ड वाले कॉलम में लिखना है, तो ये 2 लास्ट में, बाकी के जो है रिमेनिंग वो आपको मिडिल वाले में, ये 2, 1, 0, 1, 5 और 3 तक, तो ये आपको यहाँ मिडिल वाले कॉलम में लिखने हैं। अब आपको क्या करना है कि 87 की आप ये टेबल बना लीजिएगा। तो ये टेबल मैंने बना ली है यहाँ पे 87 की, तो 87 से आपको डिवाइड करना है। तो ये 9 है, ये क्या है, दौझांक है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप में 87 से आपको डिवाइड करना है। तो देखो ये 21 भी इससे लेस देन हो गया है, तो ये 2, 1 और 0 इन तीनों से मिलके ये 210 लेंगे, क्यों, तभी 87 से ग्रेटर देन बनेगा। तो 210 को आप डिवाइड करोगे 87 से, तो फर्स्ट स्टेप में 210 को आप डिवाइड करोगे 87 से, तो क्वेश्चन कितना आएगा, देखो 210 को करोगे 87 से, तो 210 से छोटा कौन सा है, 174 है, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ये 2 टाइम्स होगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा कि 210 में से आप 174 अगर आप घटाते हो तो कितना बच गया, ये 36 बच गया, तो ये रिमाइंडर आ गया इसका 36। तो आप क्वेश्चन कहाँ पे लिखोगे, 2 यहाँ पे ये लिख दिया, और रिमाइंडर 36 कहाँ पे लिखना है, इस 1 से पहले आपको यहाँ पे लिख देना है 36। तो अब सेकंड स्टेप के अंदर न्यू कौन सा बन गया है, जो न्यू डिवाइडेंट बन गया है, नया बाजे वो बन गया 361, और जो मॉडिफाइड बन गया है वो 361 माइनस 9 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 18 होगा। तो ये 361 में से आप 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 343। तो ये सेकंड स्टेप में आ गया। अब ये पॉजिटिव है नंबर, तो इसको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड किससे करेंगे, 87 से, तो 343 को डिवाइड करोगे 87 से, क्योंकि आपको डिवाइड हर बार मॉडिफाइड को ही करना है। तो क्वेश्चन कितना आएगा, 343 से लेस देन वाला नंबर कौन सा है, 348 तो इससे बड़ा हो गया है, तो 264 ही है ये, तो ये कितने टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया ये। तो क्वेश्चन कितना आ गया, 3 आ गया है और रिमाइंडर, तो आप 264 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा अपने पास रिमाइंडर 82। तो ये 82 आ गया है रिमाइंडर। तो 3 कहां पे लिखना है, ये अपने ने यहां पे 3 लिख दिया है, और जो रिमाइंडर आया है 82 वो कहां पे लिखना है, इस 5 से
पहले आपको यहां पे लिख देना है। तो ये लिख दिया 82। अब जो न्यू आया है, न्यू कौन सा आ गया है, 82 और 5 से मिलके हो गया 825। तो फोर्थ स्टेप में जो न्यू डिवाइडेंड आपके पास मिल गया है वो है 825। और जो संशोधित भाज्य है, जो मॉडिफाइड है, वो 825 को सब्ट्रैक्ट करोगे 9 का मल्टीप्लाई 3 से करके, तो 9 × 3। तो 825 माइनस ये 27 हो गया, तो 27 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 798 आ गया। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप। अपने पास मॉडिफाइड है वो पॉजिटिव मिला है, तो अपन अगेन डिवाइड करेंगे फिफ्थ स्टेप में, क्योंकि हर बार आपको डिवाइड है वो मॉडिफाइड को ही करना है। तो मॉडिफाइड अपने पास 798 है, तो 798 को डिवाइड करोगे आप 87 से, तो क्वेश्चन कितना आएगा, 798 से लेस देन नंबर कौन सा है, 787 है, तो ये कितने टाइम्स है, ये 9 है, तो ये हो गया 9 टाइम्स। और रिमाइंडर कितना बचेगा, 798 में से जब आप 800 और ये 87 माइनस करोगे तो कितना बच गया, ये 15 बच गया, तो ये रिमाइंडर आ गया 15। तो ये 9 आप यहाँ पे लिख दोगे क्वेश्चन, और रिमाइंडर 15 कहाँ पे लिखना है, इस 3 से पहले, तो 3 से पहले आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 15। तो 15 और 3 से मिल करके सिक्स्थ स्टेप में जो न्यू बन गया है अपने पास, न्यू डिवाइडेंट है वो कितना आ गया है, 153। और जो मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड अपने को कितना मिलेगा कि 153 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 9 का मल्टीप्लाई 9 से, 9 × 9, तो ये 81 होगा। तो 153 माइनस 81 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में अपने को मिलेगा ये 72। ये हो गया सिक्स्थ स्टेप। अब सेवन नंबर स्टेप में देखो, मॉडिफाइड अपने पास पॉजिटिव मिला है, तो इस 72 को डिवाइड करोगे आप 87 से, चाहे आप डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइडेंट लेस देन और डिविजर से, तो भी आपको यहाँ पे करना है ये। तो क्वेश्चन कितना आएगा, इससे लेस देन होगा तो क्वेश्चन हमेशा ही कितना आता है, 0 आता है, ये अपन ने क्वेश्चन किया था पहला ही इसमें। और जो रिमाइंडर है वो एज इट इज बच जाएगा ये 72। अब ये क्वेश्चन 0 है ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, और रिमाइंडर है वो 72 यहाँ पे। अगर अब मॉडिफाइड पॉजिटिव आता है तो ये अपना लास्ट स्टेप होगा। तो लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 8, जो न्यू आया है वो आया है 722, और जो मॉडिफाइड मिलेगा वो 722 माइनस 9 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो ये 0 ही हो गया। तो ये 722 का 722, तो ये 722 तो हो गया है रिमाइंडर, और 2390 हो गया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो हो गया है 2390, और जो रिमाइंडर आ गया है वो आ गया है 722। तो बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा बनता है, और ये बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसका जो वेटेज है वो 2 नंबर से ज़्यादा का है। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको हमेशा ही ये 2 जांक वाले हैं वो 2 डिजिट वाला ही ये भाज्य का आपको देगा। तो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गई है। तो आज की क्लास के लिए ही इतना ही, अब कल की क्लास में अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, एक्सरसाइज नंबर 2 है वो स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए, क्योंकि लॉकडाउन की इस कंडीशन में स्कूल्स का भी कोई पता नहीं है कब लगेगा। और मेरे पीछे के जो स्टूडेंट है, पिछले साल का जो रिजल्ट है आप वीडियोज में देख सकते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा था मैथ में, और जो अभी पढ़ाए हैं, जो उनको इम्पोर्टेंट बताए थे उनमें से 97% 98% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हैं, जो उनको परी बोर्ड्स में
जो दिए गए थे क्वेश्चन वो सेम का सेम पेपर आया था वैसे का वैसा, कोई भी क्वेश्चन चेंजेज नहीं था। जो रोड सेफ्टी बताई थी मैंने एक वीडियोज में, 8 क्वेश्चन बताए थे, उनमें से तीनों के तीनों क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आए हैं। आप रोड सेफ्टी वाला देख लीजिएगा। तो दो क्वेश्चन जो थ्योरम इंपॉर्टेंट बताई थी, 12.8 थ्योरम बताई थी, वैजिटी चाहिए, तो आप वीडियोज वगैरह को देख करके पता लगा सकते हैं कि जो बताए थे वो आए या नहीं। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी का धन्यवाद।